नमस्कार मित्रों, जिसके पास में होता है यह जड़ वह धनवान बन जाता है, विश्वास नहीं तो खुद ला करके देख लेना। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस संपूर्ण समस्त संसार चमत्कारों से भरा हुआ है, तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा जो जड़ साक्षात लक्ष्मी कृपा माना जाता है। और ये जड़ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं, वह घर अन्न धन से भर जाते हैं। अगर भिखारी व्यक्ति के घर में भी इसे रख दिया जाए तो वह धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। पहला जो जड़ है मित्रों, शंकर जटा। इसके चमत्कार आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, क्योंकि इसके अगर रस के दो बूंद भी लकवा के जो मरीज है उसके नाक के माध्यम से डाल दिया जाए तो भयंकर लकवा की बीमारी ठीक हो जाते हैं, वह चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अगर ये आपको सौभाग्य से मिल जाते हैं ये पौधे, तो इसके जड़ बिल्कुल ही निमंत्रण दे करके घर में अवश्य ला करके घर के गमले में स्थापित कर सकते हैं। अब इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। अगर ये पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो ये पौधा जितना ज्यादा हरा रहेंगे उतना ज्यादा ये आपके घर में धन लाभ कराएंगे, उतने ज्यादा घर में धन आते हैं। नाम से स्पष्ट है शंकर जटा, यानी कि भगवान शंकर जी के जटा। इस पौधे की जड़ अगर घर में रखा जाए, जी हाँ मित्रों, अगर इस पौधे की जड़ घर में रखा जाए तो सर्प बिच्छू घर में प्रवेश नहीं करते। ये आपके पूरे घर को सर्प बिच्छू से बचाता है, नकारात्मक चीज घर में प्रवेश नहीं कर पाते। भूत प्रेत जो वगैरह हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज है, ये घर अगर ये जड़ घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो प्रवेश नहीं कर पाते। अगर घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध दिया जाए तो लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। इस जड़ को अगर शिवलिंग पर, जो शंकर जटा नाम की जड़ है, इसके जड़ को शिवलिंग पर टच करके पहना जाए तो अकाल मृत्यु नहीं आता, ये हमें मृत्यु से भी बचाने का काम करते हैं। और अगर इसे चांदी के ताबीज में रखा जाए तो मित्रों ये घर में धन की बरकत कराती हैं। दूसरा है कमल। अब वीडियो को यहीं पे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि जो कमल है बहुत ही चमत्कारी है, इसका मैं फायदा बताता हूँ। तो इसके जड़ की माला बना करके, जैसे तुलसी के माला बनाते हो ठीक उसी प्रकार जो कमल है इसके जड़ की माला बना करके सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आप पहना देना। जी हाँ, कुछ दिन के लिए लक्ष्मी जी को पहना देना तो ये सिद्ध हो जाएंगे। फिर बाद में आप जो स्वयं पहन सकते हैं, तो इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, लक्ष्मी जी का साक्षात कृपा प्राप्त होगा। इसका दूसरा प्रयोग बताता हूँ। इसके जड़ को चांदी की डिब्बी में रखने से शुभ मुहूर्त में, जैसे कि होली है, दीपावली है, नवरात्रि में, तो घर में अन्न धन की बरकत कराती, कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तीसरा प्रयोग बताता हूँ। इसके जड़ खाने के भंडार में रखने से, जहाँ पे आपके अन्नपूर्णा भंडार हो वहाँ पे रखने से बिल्कुल ही भोजन की कभी भी कमी नहीं होती, निरंतर उस घर में अन्न धन की बरकत होती है। और अगर इसे धन पेटी में रखा जाए, जहां पे आप पैसा रखते हो, तो निरंतर उस घर में धन की बरकत कराती है, अन्न धन की बढ़ोतरी कराता है, क्योंकि कमल माँ लक्ष्मी को कमल वासनी कहा जाता है, माँ लक्ष्मी कमल पे निवास करते हैं, कमल के जड़ को अति पवित्र माना जाता है। आप जो है स्वयं भी कमल के जड़ पहन सकते हैं, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं, माँ लक्ष्मी कदम कदम में इसे हमारी सहायता करती है। तो ये थे दर्शकों छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।